आज हम कुंती महारानी की शिक्षा टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती के पुस्तक से पढ़ रहे हैं, तो श्री प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे लेक्चर्स दिए और उनको कंपाइल करके ये बुक श्रीमद्भागवतम संक्षेप में बताया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको विस्तार रूप से हमें इस प्रार्थना और शिक्षण के विषय में बहुत अच्छी तरह से बताया। तो यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है आगे कह रही है कि ये तीन श्लोकों में फर्स्ट पहला दूसरा और तीसरा कनेक्टेड है और महारानी कुंती तीसरे श्लोक में पूर्ण जो है भगवान का गुणगान और भगवान की महानता और भगवान क्या स्तर वो जो है प्रदान कर रही है, प्रस्तुत कर रही है अपने इस प्रार्थनाओं से जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन बड़े बड़े मुनि ज्ञानी और भक्तों के लिए भी जो है इसमें से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो बहुत सुंदर इन प्रार्थनाओं में उन्होंने वर्णन किया। पहले श्लोक में कुंती महारानी कहती है नमस्य पुरुषम द्वादियम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्याम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम माया जवनिका छन्न अज्ञ अदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा न तो नाह्य धरो यथा। तो कंटिन्यू कर तथा तथा का अर्थ है कि बिसाइड्स दैट, बाकी इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यन्ति। तो तथा परमहंसानाम परमहंसानाम मुनीनाम अमल आत्मना तीन लोगों का तीन प्रकार के लोगों का वर्णन करने का की बात यहाँ पे जो है कुंती महारानी कह रही। पहला है परमहंसानाम, तो परमहंस क्या है? परमहंस व्यक्ति या परमहंस भक्त कौन है? कुंती देवी कहती है कि हे कृष्णा, आप तो परमहंसों द्वारा गए हो। आप कौन किसके द्वारा समझे जा सकते हैं? परमहंस मुनि नाम कमल आत्मा नाम इस प्रकार से कह रही है कि भगवान आप तो ऐसे महान हैं, आपके भक्त हैं और ये परमहंस बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। परम का अर्थ है चरम अल्टीमेट, परम अल्टीमेट। तथा हंस हंस का अर्थ है हंस पक्षी, जैसे हम जानते हैं हंस पक्षी है, तो इसीलिए परम हंस, परम मतलब जो सबसे श्रेष्ठ या चरम हंस परफेक्ट हंस पूर्ण हंस परमहंस का अर्थ हुआ पूर्ण हंस। यदि हम हंस को जल मिश्रित तो ये गुण है, किसका गुण है? हंस का गुण। हंस का गुण क्या है कि अगर उसको जल मिश्रित
दूध दे, दूध और जल को मिक्स करके या मिला के उनको दे, तो वह दूध ग्रहण कर लेता है। देखो उनका ये इतना गुण है कि अगर दूध और पानी मिक्स है, मिलाया हुआ है, तो उनको अलग करना कठिन है ना, सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन ये गुण है कि अगर यदि हम उसको जल मिश्रित दूध दे तो वह दूध ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो इसी तरह ये भौतिक जगत दो प्रकृतियों से बनी है, दो प्रकृति है, अपारा प्रकृति और परा प्रकृति। तो ये भौतिक जगत भी, इसमें ये मिश्रण, ये दोनों चीजों से बनी है, एक अपरा और दूसरा है परा। परा प्रकृति का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन। तो जो परा प्रकृति के भाग में है वो जो है आध्यात्मिक जीवन, और अपरा प्रकृति का अर्थ है भौतिक जीवन। तो ये हम देखते हैं आध्यात्मिक जीवन भी है और भौतिक जीवन भी। हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो ये दोनों प्रकृतियों के साथ हमारा संपर्क, भौतिक और आध्यात्मिक। अतः जो व्यक्ति इस संसार के भौतिक अंश को त्याग देता है और केवल आध्यात्मिक अंश का ग्रहण करता है, वह परमहंस। तो पहला गुण परमहंस का क्या है? पहला गुण है कि केवल आध्यात्मिक अंश को ग्रहण करना। जो सिर्फ आध्यात्मिक अंश को ग्रहण करता है और भौतिक अंश को छोड़ देता है, वो क्या है? परमहंस। जैसे एक पॉइंट वही है। तो मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि इस शरीर के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर स्थित आत्मा के कारण संपन्न होते हैं। तो हम जान चुके हैं और भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं, 15वें अध्याय में भी जो है, हम जान लेते हैं ये सच्चाई कि सारे कार्यकलाप भगवान की है, भगवान के द्वारा हो रहा है, क्योंकि भगवान जो है सब चीजों में स्थित है। इसलिए अंतर बहिर्वस्थ आपको सब जगह से, कितनी बड़ी आध्यात्मिक बात। तो प्रार्थना भी ऐसी है, कुछ तो उत्तम, जहां भगवान का की महिमा, भगवान का गुणगान, भगवान का जो है ऊंचा पद, और भगवान कौन है, उस प्रकार से कुंती महारानी ने इतनी सुंदर प्रार्थना कर दी कि यही सच्चाई। शरीर तो बाहरी आवरण है, इसी तरह मनुष्य को यह भी जानना चाहिए कि समस्त कार्यकलापों के केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण है, और जो इसे जानता है वो परमहंस। दूसरा क्वालिटी है, दूसरा गुण परमहंस कौन? यहाँ पे प्रभा जी तीन और चार परमहंस के विषय में, परमहंस कौन है, उसको कैसे जाना जा सकता? प्रभा जी सुंदर रूप से आगे अपने तात्पर्य में बताते, ये दूसरा है कि जो पहला क्या है, जो आध्यात्मिक अंश को ही ग्रहण करता है उनके परा और अपरा प्रकृति में से, सिर्फ जो है क्या ग्रहण करता है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक अंश, अंश, आध्यात्मिक यस, परा
पराक्रम को प्रकट करता है, ये एक गुण है। दूसरा है, परमहंस को कैसे जाना जाता है, कि वे जो है जानता है कि भगवान ने सभी कार्यकलापों का एक केंद्र बिंदु। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते, हर वस्तु का उद्गम हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत होती है। यही बात यहाँ पे कुंती महारानी कह रही कि परमहंस, और ये परमहंस का विस्तार रूप से यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है। भगवान ही सब कुछ है, अतः जो सिद्धांत के रूप में नहीं अपितु व्यवहारिक रूप में यह जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, और जो इस बारे में अस्वस्थ हो जाता है वह परमहंस है। तो भगवान केंद्र बिंदु है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है, वो जान लेता है, जो भी जान लेता है वो परमहंस। तीसरी बात यहाँ, तो इसीलिए कुंती देवी कहती है कि आप परमहंसों के लिए है, क्योंकि परमहंस ये सब जान, कि आप तो परमहंसों तथा मुनियों के लिए जिनके हृदय विमल है और भक्ति योग में संलग्न है। तो कुंती महारानी यहाँ पे कहती है कि आप जो है भूतों तथा मूर्खों के लिए नहीं, आप परमहंसों तथा मुनियों के निमित्त है। मुनि नाम शब्द विचारवान, मुनि मतलब जो विचारवान है, थॉटफुल पर्सन, वो भी मुनि कहते हैं, इसके लिए मुनि। मुनि कौन है? जो थॉटफुल है। तो मुनि नाम शब्द विचारवान या ज्ञानियों का द्योतक है, तथा अमल आत्मा नाम शब्द उस व्यक्ति को सूचक है जिसका हृदय में कोई गंदगी नहीं होती। परमहंस, मुनि नाम और हमला आत्मा, ये तीन व्यक्ति। तो कुंती महारानी कहते यही जो है, जो परमहंस है, जो जानता है, जो जान लेता है कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में रहते हुए जो अच्छी चीज है, आध्यात्मिक चीज को अपनाता है, भौतिक चीजों को छोड़ देता है, जो जानता है कि भगवान ही सभी चीजों के स्रोत है, भगवान ही सर्व कारणों के कारण है, और जो मुनि नाम है, जो जो विचारवान और ज्ञानी है, और अमल आत्मा नाम जो व्यक्ति जिसका हृदय में कोई गंदगी नहीं है। तो ये गंदगी क्या है? काम तथा लोभ, ये दो चीजें हैं जो गंदगी है। काम तथा सारे भौतिकवादी व्यक्ति कामी तथा लोभी होते हैं, मान ख्याति प्रतिष्ठा ये चाहते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें मान ख्याति प्रतिष्ठा। तो कामी तथा लोभी, लोभ ग्रीडी
होते जाते थे। अतएव उनके हृदय गंदी वस्तुओं से पूरित रहते हैं। तो इसी अमल आत्मा नाम माता जी आप म्यूट पे है, विकांत जी अभी कहाँ तक सुन कहाँ तक सुना? ठीक है, आज रिपीट कहानी अमल आत्मा नाम। हाँ बात अमल आत्मा नाम वो व्यक्ति है जो काम और लोभ से मुक्त है, जो शुद्ध है। अतएव उनके हृदय गंदी वस्तुओं से पूरित, हाँ, और सारे भौतिकवादी कामी तथा लोभी होते हैं। अतएव उनके हृदय गंदी वस्तुओं से पूरित रहती है। तो ये गंदी वस्तु काम तथा लोग, किंतु अमल आत्मा नाम उनका सूचक है जो इन दो कलुषों से मुक्त होते हैं। जो इन दो कलुषों से मुक्त, तो इसीलिए महारानी कुंती कहती है कि विनीत भाव से, यहाँ पे महारानी कुंती का दीनता, उनके विनीत भाव प्रकट कर। तो तथा परम हंसाना मुनिना अमल आत्म भक्ति योग विधानार्थम। तो ये जो है परम हंस मुनिनाम और अमल आत्म नाम जो है, ये जो है ये भक्ति योग विधानार्थम, मतलब ये भक्ति योग के नियमों का या ये प्रोसेस का या विधि को फॉलो करना। जब हम जान लेते हैं कि भगवान ही सब कुछ है और हम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो प्रोसेस क्या? ये प्रोसेस है श्रवणम उत्तरम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दासी साख्यम आत्म। तो परमहंस या मुनि नाम या अमल आत्मनाम, उनके हृदय में हमेशा भगवान की सेवा का भाव ही, उनका हृदय क्या संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, उनका हृदय जो दिव्य है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जो इस भौतिक जगत में उनका हृदय है, उनका हृदय संत भगवान जो है, भगवान को वे अपने हृदय में हमेशा देखते। ये भक्ति योग विधानार्थ व्याध्यात्मिक तो ये सब जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य वगैरह, ये भौतिक जगत में नहीं, भौतिक जगत चीजें आध्यात्मिक जगत।
तो ये जो भगवान के भक्त है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो सभी चीज जो है भगवान की सेवा में, यहाँ तक कि कामान कृष्ण काम अर्पणे क्रोध जने, क्रोध काम सब सब कुछ जो, तो परमहंस जो है जो भगवान की भक्ति करते हैं, ये सब कुछ जो है उनका पूरा जीवन जो है वे भगवान की सेवा में, जो कुछ भी उनमें है, जो कुछ भी गुण है, वे सब जो है भगवान की सेवा में। बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में। तो परमहंस भक्त हमेशा भगवान का ही गुणगान, हरि नाम और भगवान की सेवा में लगा रहता, तो ये भक्ति के अंग। क्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास। श्रवण, जो भगवान के परम भक्त है वो क्या करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, और जब वे श्रवण करके उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, तो वे क्या करते हैं, कीर्तन चाहते भगवान के विषय में चर्चा करते, और ऐसी चर्चा करते जो विष्णु स्मरण, तो ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जुड़े एक दूसरे, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम वंदनम दास्यम दास्यम साक्षम आत्मनिर्भर। तो सुनना और जप करना दोनों जो है, सुनना जप करना के बराबर है, और सुनना और जप करना स्मरण के बराबर है, और भगवान की अर्च विग्रह की सेवा जो है ये सब तीनों ये बराबर है। तो इस प्रकार से जो ये नव विधा भक्ति है, अगर एक भी हम अच्छी तरह से करें, हम जो ये परमहंस पथ पर पहुंच सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो अनेक अनेक इस जो भक्ति के अंग के प्रतीक। तो ये बताया गया कि कुंती महारानी यहाँ पे इसीलिए कहती है भक्ति योग धारणार्थम, भक्ति योग द साइंस ऑफ डिवोशनल्स विधान विधानार्थम कथम। तो ये विधान एग्जीक्यूट द प्रिंसिपल द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। यहाँ पे कुंती महारानी कहती है यू योर सेल्फ डिसेंड टू प्रोपगेट द ट्रांसेंडेंटल साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑन टू द हार्ट्स
of advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. और आगे प्रतिमान आदि कहती है, then how can we become more, know you perfectly? How can we women? कैसे हम जान सकते हैं आप अनंत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं, तो भला हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकती है? अभी यहाँ पे भी बहुत ही विनीत भाव से, क्योंकि जो कुंती महारानी बता रही है वे इतना उच्च स्तर का ज्ञान है तो वो साधारण स्त्री नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम बुद्धिमती महिला है, मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन कुंती देवी। यद्यपि कुंती का शरीर स्त्री का था किंतु वे भक्त थी। भक्त ही परम है, चाहे स्त्री का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो या किसी भी प्रकार का शरीर हो, क्यों ना हो किसी को, चाहे मनुष्य में सबसे अधम, मनुष्य में सबसे गिरे हुए, मनुष्य में सबसे जो है तापी पापी, जो भी है, अगर वो भक्त है वो परम। तो इसीलिए वे भक्त थी, किंतु अतः वे सामान्य बुद्धि विहीन स्त्री जैसी नहीं, जैसे कि वेदों में बताया गया स्त्री जो है इतनी बुद्धिमान, क्योंकि बुद्धिमान मतलब इस विषय में कोई भी उनको ठग सकता है, वे उनका हृदय जो कोमल रहता है तो वे नहीं जान सकती है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है। नहीं तो प्रभुपाद जी जो वेदों में बताया वही बता रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे कुंती महारानी की प्रार्थना को क्यों एक पुस्तक में, अगर वे नहीं, ऐसा नहीं है कि स्त्री या पुरुष, चाहे कोई पुरुष भी हो, अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो, या भगवान का भक्त नहीं है तो भी वो बुद्धिहीन ही है, क्योंकि वो जानता नहीं है। इंटेलिजेंस का अर्थ ये है डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, यही है, नॉट बिग नॉलेज, एबल टू डिस्क्रिमिनेट, दैट इज इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो हम गलत सोचते हैं, हाँ ये इंटेलिजेंस मतलब जिसको बहुत ज्ञान, ज्ञान होते हुए भी पता नहीं चल क्या करना चाहिए, क्या फायदा जब बात को नहीं समझ सकते। यहाँ पे साधारण स्त्री इसीलिए कि कोई भी समझ सकता है इस आध्यात्मिक ज्ञान को, वो भी समझ सकता है। अतः वे सामान्य बुद्धिविहीन स्त्री जैसी नहीं थी, उल्टे वे सर्वोदिक बुद्धिमान थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में पहचान चुकी थी। इनको पहचान, भगवान को पहचानना, भगवान को जानना, ये आसान नहीं, बड़े बड़े योगी भगवान को नहीं जान सकते। यद्यपि वे मेरे भतीजे के रूप में मुझे प्रणाम करने आए हैं, किंतु वे ही श्री भगवान है। वो सोच रही है, कह रही है कि वे आए हैं, वे आए हैं मुझे प्रणाम करने के,
उनको बुआ के रूप में उनको प्रणाम करने के लिए ले आए और वे श्री कृष्ण के भतीजे हैं, फिर भी वे भगवान जानती है कि वे भगवान। ये है पोजीशन। चाहे हम कितने भी नजदीक क्यों ना, जैसे कितनी नजदीक है भगवान की बुआ है, भगवान उनके भतीजे हैं, फिर भी वेयर टू ड्रॉ द लाइन, भगवान भगवान उनका पोजीशन जानना बोल सकते, और ये पोजीशन को वो जान कि नहीं, वो अपने आप को ये ऐसा, ये भक्त का लक्षण अपने आप को घम, हो मेरा तो भतीजा भगवान। अगर ऐसा हो जाए तो हम तो पूरा एडवर्टाइज कर, पता है मेरा भतीजा कौन है, भगवान है, जानते हैं आप भगवान कौन होता है, न शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो भक्त हूं, पता है मैं किसका भक्त हूं। ऐसा नहीं, ये कुंती महारानी की ये शिक्षण है, इस शिक्षण को सिर्फ प्रार्थना ही बात एक है, लेकिन उसके अंदर शिक्षण, इसीलिए प्रभुपाद जी शिक्षण, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान की परम भक्तों की कथा है, और ये परम भक्तों की कथा में के द्वारा भागवतम हमें किस प्रकार से हम भक्ति करनी चाहिए, ये जो है उनके पद चिन्हों के अनुसार हमें कैसे करना चाहिए, जो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त बने, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को दे दिया, लेकिन उसको कैसे करना और क्या है भक्ति, क्या है मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरा भक्त बनो मतलब क्या, भक्त बनो कैसे, भक्त बने, ये उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कुंती महारानी सोच रही है, कुंती महारानी उदाहरण है, देवोमती उदाहरण है, द्रौपदी उदाहरण है, कितनी स्त्रियां, और ये जो कितना ऐसा नहीं है, दिस ऑल नॉनसेंस जो अभी ये आजकल के युग में कह रहे वुमेन एम्पावरमेंट, सो मच एम्पावर्ड, दिस इज एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, कितना एम्पावरमेंट है, इतना बड़ा ज्ञान किसको हो सकता है, आजकल कौन है कोई बुद्धिमान पुरुष के पास भी ऐसा ऊंचा ज्ञान नहीं हो सकता। तो कहते हैं वो विमेन आर नॉट, दे आर नॉट गिवन एडुकेशन, अगर एडुकेशन नहीं दिया तो फिर कैसे इतना बड़ा उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर देंगे कुंती महारानी। और अगर अगर स्त्री बुद्धिमान नहीं है तो कपिल मुनि ने क्यों देवहूति अपनी माँ को ये बड़ा सांख्य ज्ञान का प्रदान किया, कोई मुनि को नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, विमेन मेन ये सब जो है आज का जो बनाया हुआ है, और इक्वालिटी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बताया हुआ है कि क्या आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान की सब। तो यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, women are less intelligent, they were deprived, everything was given to them, उनको सब कुछ दिया जाता था, प्रदान किया जाता। तो but the men want the women out of the house so that they can exploit them. This is solid, what you say, the fact. तो इसीलिए उन्होंने पिछले श्लोक में कहा, अलक्ष्यम सर्वभूतानां मंत्र बहिर अवस्थितम्। कि वे जो मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये तो है अलक्ष्य, और वे सभी कुछ है। यद्यपि आप सर्वत्र भीतर बाहर है, किंतु सामान्य व्यक्ति आपको नहीं देख पाते। तो सामान्य व्यक्ति जो है आपको नहीं देख,
अन्य श्लोक में भी उन्होंने कहा कि लक्षित मूढ़ दिशा। तो इतनी सारी बातें यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है कि लक्षित मूढ़ दिशा, मूर्ख तथा धुत उनको नहीं देख पाते, जो मूर्ख है नहीं देख पाते। और कुंती महारानी यहाँ देख रहे हैं कि भगवान जो उनके भतीजे हैं उनके सामने आए हैं और भी पहचान रही है कि वे भगवान, तो वे साधारण स्त्री नहीं हो सकते। यदि उन्होंने श्री कृष्ण को यथारूप में न देखा होता तो वे यह कैसे कह सकती थी लक्षिते मूढ़ दिशा। उन्होंने यह भी कहा प्रकृति परम, आप इस भौतिक सृष्टि के परे हैं। तो प्रकृति परम, आप प्रकृति परम है, आप जो है अलक्षम सर्वभूतानां, जो पहले उन्होंने कहा। तो इस श्लोक में भी कुंती विनीत होकर, तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि वो कह रहे कि मैं तो एकदम साधारण स्त्री हूं, साधारण स्त्री है नहीं है, उनका ये विनीत भाव है। विनीत होकर अपनी बात कहती है, ये विनयशीलता भक्ति में अतएव उत्तम मानी जाती है। ये जो विनीत भाव जो है वो भक्ति में उत्तम मानी जाती है। डिवोटी हु इज वेल वर्स्ड विद नॉलेज ऑफ कृष्णा, although a devotee has great pure devotion for krishna, still the devotee feels that he or she lacks in devotion to him. to isliye kunti maharani kehti ki hum stri, main kaise aapko jaan sakti hu, hum striyan kaise jaan sakti hain, ye unki vinit bhav. to usko samajhna chahiye, aisa nahi samajhna chahiye ki o kunti maharani stri hai unko nahi pata. तो ये भक्ति में अतीव उत्तम मानी जाती है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देते हैं त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए मनुष्य को वृक्ष से भी सहिष्णु तथा घास से भी अधिक विनीत होना चाहिए। ये है ये कुंती महारानी का पोजीशन यहाँ पे प्रभुपाद जी के। तो आगे वर्णन किया गया है, कुंती देवी विनीत भाव से कहती है आप तो परमहंसों तथा मुनियों के लिए है, जिसके हृदय विमल है और जो भक्ति योग में संलग्न है, लेकिन हम क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, हम तो अबला मात्र है, हम तो एक अबला स्त्री है, हम निम्न वर्ग की है, भला हम आपको कैसे समझ सकती है। यद्यपि वह हर बात समझती थी फिर भी वे सामान्य स्त्री की बात ही कहती है कि भला मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, यही विनयशीलता या दीनता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में कुंती महारानी दीनता, कुंती महारानी की विनीत भाव और कुंती महारानी की उच्च स्तर का वर्णन। हालांकि वो कहती है कि मैं तो बहुत ही उनकी बात वो नहीं कहना चाहती या बताना चाहती, लेकिन लक्षण उनकी लक्षण, उनका भाव, उनका प्रेम भगवान के प्रति से जो है हम समझ सकते हैं। तो बड़े बड़े मुनि जो
जो इतना ऊंचा एक प्रार्थना है कि बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े ऋषि जो है इस प्रार्थनाओं को का इस शिक्षणों को अपनाते हैं और वे चाहते हैं कि कुंती महारानी की जैसे हम उनके पद चिन्हों की अनुसार उनके भाव को हम उस भाव में हम भक्ति कर सकते हैं करें, ये उनकी भावना है कि उनकी जो भक्ति की भाव है भगवान के प्रति प्रेम का भाव है उनका जो वैराग्य है उनका जो डेडिकेशन है उनका जो दृढ़ता है जो उन वे जो अपनी इस प्रार्थनाओं से प्रतीक कर रही है। सभी जो ऋषि मुनि बड़े बड़े भक्त बड़े बड़े संत महात्मा जो है इस प्रार्थनाओं को अपने जीवन में उन प्रार्थनाओं के शिक्षण को अपने जीवन में उतारने की कामना करते। तो इसी इसी वजह से श्री प्रभुपाद जी ने भी इस सुंदर प्रार्थनाओं को इस सुंदर पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका यही प्रमाण है कि प्रभुपाद जी पूरे भागवतम में से कुंती महारानी की प्रार्थना इतना उच्च स्तर दे रहे कि उन्होंने किताब उनकी प्रार्थना के ऊपर सुरक्षित किया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, कुंती महारानी की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, सब भक्तों की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन?